एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ इससे पहले कि आगे बढ़ो. आई नो मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय रेगुलर बैचेस. यू विल गेट द चांस राइट नाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय सुपर अमेजिंग रेगुलर लेक्चर्स. सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय रेगुलर लेक्चर्स, आप ले सकते हो हमारे पास से एक प्रो मेंबरशिप. सो यू ऑल can go and become a Vedantu self-study pro. Aap 21 mein ho ya 22 mein ho, any of the years 11th or 12th, what you have to do is, there are 4,000 plus hours of English and Hindi, separate batches, 10,000 MCQs. Can you imagine 20 plus teachers to choose from and study from the comforts of your own home on any device? The most important thing apart from the teachers who are teaching is micro course. तो आपको पता होना चाहिए कि बाय चांस आपकी पढ़ाई चल रही है पर कोई एक चीज आपकी मिस हो गई, यू वांटेड टू स्टडी दैट, बाय चांस वो मिस हो गई, तो आप क्या करोगे? यू विल कवर ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि हर एक टॉपिक का मॉड्यूलर कोर्स, हर एक टॉपिक का माइक्रो कोर्स विदांतु पे अवेलेबल है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री विद द प्रो सब्सक्रिप्शन. एब्सोल्युटली फ्री. The rates are as less as 75 rupees daily. 75 rupees में आपको class teachers मिलेंगे जो आपके doubts solve करेंगे, personal teachers मिलेंगे, after class doubt support मिलेगा, after class assignments, Sunday tests. So don't forget the code is VD Pro. VD Pro नाम के Pro membership आपने लेनी है. बहुत easy हो गया VD Pro. Go to vdng.in/ytpro and crash course की सारी classes are complimentary. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. Let's tell you in the next 10 minutes what all you need to know. Right? Most important thing which I want to tell you is nothing is impossible. So you can still. Are we doing the double attack? In the morning at 8 o'clock, are we every day doing the double attack? So don't worry. With your board exams, which I'm going to be discussing now, you will do well in all other situations also. So the word itself says, I'm possible. So it's possible to get 90% in your board exams right now. And it's also possible to do really well in your NEET examination or any other examination that you chose to give. Don't worry. Let me tell you how to do it. This is a very, very, very detailed slide which I've made for you. And I've specially made it for you, my dear board students. We are just a 5-month old channel. We started mid-year. We did not really have a lot of board classes. But this bit of information I've specially got for my board students. So all the board students who are seeing our lecture today, don't forget to subscribe to our channel, because tomorrow also I'm coming for a specific board exam lecture only for you guys. So pay attention. Right? अब ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स दो टाइप के, लॉन्ग आंसर्स और ये टोटल मार्क्स एंड वेटेजेस. सो लेट मी टेल यू किस किस टाइप के आते हैं. आपने कल मेरे साथ 1-1 वाले सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, आपने मेरे साथ कल 1 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टफ वाले, राइट? तो देखिए मैं अभी आपको पूरा बताती हूं. कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इजी रिमेंबरिंग होती है, बहुत सिंपल. प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, राइट? हमने सुबह प्लांट रिप्रोडक्शन किया था, प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म के सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल साइंटिस्ट के, डिस्कवरीज के, कौन सी बुक किसने लिखी है, इस टाइप के क्वेश्चन. दीज आर, यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, हमने कल किया था, राइट? सो ये जो सिंपल होते, इन्वर्टेड कौन सा पिरामिड है, करेक्ट कौन सा पिरामिड स्टेट है, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास कितना होता है. सो सिंपल क्वेश्चंस, रिमेंबरिंग टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर, राइट? एंड लॉन्ग आंसर में इतने रिमेंबरिंग टाइप नहीं, लॉन्ग आंसर में तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टाइप आते हैं. देखो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स. सो ये देखो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही है, एंड शॉर्ट आंसर्स. अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में नहीं आएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, स्पेशली जो चैप्टर्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, राइट? तो एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे हमने आज सुबह वाले लेक्चर में भी किया था, याद करिए आप, हमने पीसीआर किया था. डिड वी डू दैट? तो पीसीआर का डिस्कवरर, राइट? पीसीआर पर ये बेसिकली आपके रिमेंबरिंग में भी आ जाएगा, एप्लीकेशन भी यहां आएगा, लॉन्ग आंसर. पीसीआर, आगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन टाइप, राइट? अंडरस्टैंडिंग टाइप, अंडरस्टैंडिंग में इम्यूनोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इम्यूनोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इज दैट क्लियर? ये वो क्वेश्चन है जो हमने कल किए थे, यू रिमेंबर? हॉट्स, सी. और इसमें भी, कैन यू सी दिस? टू
One marker. Tough ones. Did you see this? Are you able to see this, everybody in my class? Yes, are you all able to understand this? तो ये आपके जो tough वाले hots के questions हैं, वो यहाँ भी आते हैं, right? और finally, see 5 marks. Evaluation, you have to find out, कोई value बता देंगे आपको value का कुछ, you know, you have to find out something, कैसे calculate करना है. Genetics का कोई question आ जाएगा, ratios के question आएंगे. मैंने आपको 1:1:1:1 वाली ratios करवाई हैं. So this is how your question paper is basically design. I am also going to be talking in detail about each of the units or कौन सी unit से किस type के questions आएंगे. So 5, 14 marks, 36 marks, 15 marks, and total marks will be around 70. Is that clear? तो ये जो hot, I'm sorry about that. I'm just not able to speak too loud today. Don't worry. So जो hots, देखो ये hots के question diagram के आ सकते हैं. Because labeling कई बार tough कर देते हैं. Yes or no? Raise your hands. Those of you who want, कई बार labeling में confuse कर देते हैं. थीका external, थीका internal type की labeling. Yes, everybody. राइट कई बार लेबलिंग में कंफ्यूज कर देंगे. कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कोई वैल्यू पूछ ले जो हमें याद ना हो. यस, या कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल. तो देखो आज शाम को मैं एक लेक्चर लेके आ रही हूं लेबलिंग के लिए. 9 o'clock लेक्चर है. राइट, कल शाम को मैंने आपको करवाया था 1+1. ये हॉट्स वाले यू कैन डू इट एट वी बायोटॉनिक. हॉट्स एंड एप्लीकेशन, वेरी टफ क्वेश्चन. 4 questions विल कम हियर. सी 2 questions application types, very very tough. तो कल भी मैं आपके लिए एक बहुत super mentee लेके आने वाली हूं. On the same kind of platform, it is very 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 important. Right? अगर थोड़ा सा आगे चले, I will elaborate on these slides and tell you. So these are the types. इसमें ये बहुत tricky होता है score करने के लिए. Remembering फिर भी हो जाता है. इसके 1 mark के remembering के tricky हो सकते हैं. Done? अब आ जाइए आप question wise breakup. क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप तो आपको पता है, वेरी शॉर्ट मार्क पर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5. सो जितने भी हम आपको मेंटी करा रहे हैं, 1 mark क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको जितना कुछ हम करवा रहे हैं उसी में से आएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देखिए, सुबह 8 बजे आपको जितने चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं एनसीईआरटी से बनाने, और एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस लिखे होते हैं. आदर क्वेश्चंस मेंशन बिहाइंड द एनसीईआरटी, यस या नो में जवाब दो. Other questions, तो ये सारे आपके और ये कॉन्सेप्ट पे आएंगे. इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबडी? अगर आप थोड़ा सा भी आगे चलते हो, सो इन योर क्वेश्चन पेपर देयर विल बी 7 questions ऑफ 2 marks ईच. नाउ सी, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी हैज टोल्ड यू, बट इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं. सो 7 questions ऑफ 2 marks ईच. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड विच कैरीज 4 marks, और चॉइस दी जाती है आपको. यस, राइट. तो पेडिग्री एनालिसिस के कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं अभी आपको बताती हूं. ये देखो, सो ये है आपकी टोटल ब्रेकअप. टोटल ब्रेकअप रिप्रोडक्शन 14 marks, 20% ऑफ द वेटेज. जेनेटिक्स एवोल्यूशन 18 marks. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. यस, इज दैट क्लियर? यस ईश, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जो जेनेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे. अंडरस्टूड? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 marks, बायोटेक्नोलॉजी 10 marks, यू कैन टोटली डिपेंड ऑन अस फॉर ऑल दीज मार्क्स. इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अगेन 14 marks. तो दिस इज द टफेस्ट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग वन. राइट, इसमें जैसे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे? कल हमने क्वेश्चन किया था जब हमें जीनोम फाइंड आउट करना था. राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सेक्स डिटरमिनेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ZZZW वाले. राइट, देन दे टेल यू होमोगैमिटी, हेटेरोगैमिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियोज के क्वेश्चन आ सकते हैं. कल हमने रेड और व्हाइट वाला क्वेश्चन किया था, पिंक फ्लावर. सो उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें आते हैं. वेदांतों की एक बहुत अच्छी डाउट ऐप है बच्चों, जहां आप जाके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो. अदरवाइज यू कैन इवन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक. वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक. एंड यूजुअली जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. कम्युनिटी पेज पे ऑल्सो इन ऑल आवर पोस्ट, इफ यू राइट डाउन योर क्वेश्चंस, वी ऑलवेज टेक योर आंसर्स. नाउ ओपन योर पेपर एंड पेन एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू जस्ट राइट इट डाउन. Whatever I'm telling you, these are the sure shot questions.
राइट जेनेटिक्स बहुत आता है बेटा. लास्ट टू लास्ट ईयर 2016 और 17 के पेपर में क्लोज टू 40% जेनेटिक्स आया है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाइए तो आपका इसमें इस वाले में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पार्ट्स ऑफ अ पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर पे क्वेश्चन विच वी हैव डन विद यू. आज पूरा कराया है फेट इस ये क्या बनेगा वो क्या बनेगा पूरे फेट के क्वेश्चंस मेगा एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्लियर. और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से डायग्राम ओ ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस हेमीट्रोपस सिर्सिनोट्रोपस डायग्राम. एनी डाउट्स डन राइट. अब आ जाइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे. एनी डाउट्स यस 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 नवनीता यस थैंक यू सो मच रेशमा थैंक यू सो मच. आई एम गेटिंग योर मेल ऑल्सो राइट. इसमें आ जाइए आप स्ट्रक्चर ऊजेनेसिस फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम क्वेश्चंस वन मार्कर फ्रॉम दिस टॉपिक. राइट दिस डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट दिस डाउन. Are you writing it down? Yes, Naveen. Yes, इस पे आ जाइए. तो इसमें प्री मेंडेलियन मेंडेलियन पोस्ट मेंडेलियन पोस्ट मेंडेलियन पे लिंकेज में पक्का क्वेश्चन आएगा. क्रॉस भी आ सकता है. रिकॉम्बिनेंट पे क्वेश्चन आ सकता है. राइट लास्ट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लावरिंग प्लांट्स के. मेंडेलियन पे रेशियो सारी और लॉज 100% वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम लॉज 100% देयर इज नो डाउट वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम लॉज. पोस्ट मेंडेलियन में को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिंकेज इन तीनों में वन क्वेश्चन विल कम. इतने ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा इन प्री मेंडेलियन बट पोस्ट मेंडेलियन पे मैं लिख देती हूं दोबारा से. ठीक है कहां थे हम यस yes. तो इसका आप मेंडेलियन जेनेटिक्स लिख लीजिए. आर यू राइटिंग इट डाउन आर यू ऑल राइटिंग इट डाउन यस. एपिस्टेसिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन बोथ जेनेटिक्स में मेंडेलियन इसके रेशोज एंड लॉज आर यू अंडरस्टैंडिंग. हर एक चैप्टर का मैं आपको हैंड रिटन दे रही हूं ऐसे. इज दैट क्लियर अंडरस्टूड. आप आ जाइए पोस्ट मेंडेलियन. पोस्ट मेंडेलियन को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज वन क्वेश्चन. मैंने एक और जेनेटिक्स की क्लास भी आप लोगों के साथ लेनी है. वन क्वेश्चन 100% नवीन साई कुमार स्वामी प्लीज डोंट स्पैम द क्लास. यस आ जाइए एवोल्यूशन पे. देखो बेटा एवोल्यूशन में लमार्किज्म ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी और आपका चार्ल्स डार्विन इन तीनों में एक क्वेश्चन आने का चांस है. ठीक है लेमार्किज्म ह्यूगो डी व्रीज और चार्ल्स डार्विन इसके बाद ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस से एक क्वेश्चन आने का चांस है या शॉर्ट या लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपका यूरे मिलर इस साल आने का चांस बहुत ज्यादा है बिकॉज बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब फॉसिल्स हो गया एनालॉगस हो गया होमोलोगस हो गया कनेक्टिंग लिंक हो गया मिसिंग लिंक हो गया वॉन बेयर्स लॉ हो गया एक क्वेश्चन आने का चांस है. ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया आपका ह्यूमन एवोल्यूशन या एरास एक क्वेश्चन आने का चांस है. इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच गाइज लाइबा थैंक यू. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये जो चीजें हैं ना बच्चों ये आपके नीट में भी आ सकती है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकती है. इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम इम्यूनोलॉजी 100%
इम्यूनोलॉजी पे क्वेश्चन मतलब आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्यूनोलॉजी आपका पूरा जो मैंने डिटेल में कराया है, इवन फॉर नीट एग्जाम, जब नीट की भी तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो। इम्यूनोलॉजी पे एक क्वेश्चन 100% आएगा। बैक्टीरियल और वायरल और हेलमेंथिक डिजीजेस पे एक मेन क्वेश्चन आने का चांस है। मुझे लग रहा है इस साल प्रोटोजोअल डिजीजेस मलेरिया पे 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। ये गारंटी है, नीट की भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके ड्रग अब्यूज से। ये सारी चीजें मैंने आपको 8 o'clock की क्लास में करवाई हुई हैं। ड्रग अब्यूज से मुझे लगता है हैलुसिनेशन टाइप का कोई 1 mark का क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। मलेरिया से या फाइलेरियासिस से इस साल एक बड़े क्वेश्चन आने का चांस है। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तब हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो आपका टॉपिक है, माइक्रोब्स, ये जो मेन आपका टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस माइक्रोब के ह्यूमन वेलफेयर से बीटी कॉटन, फ्लावर सेवर टोमेटो, रोजी द काउ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हो सकता है ये पूरा अवॉइड हो जाए और एक क्वेश्चन सीवेज से आ जाए, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो सीवेज में फ्लॉक्स और बीओडी पे 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको जितनी चीजें बोल रही हूं ना, वॉट एवर आई एम सेइंग, अगर आप इतना भी कर लोगे तो 90% आना गारंटी है। राइट, इज दैट क्लियर? वाइपर गेबिंग मेघना, डेफिनेटली 14th March तक यू कैन फिनिश द इंटायर एनसीईआरटी रीडिंग इवन 2 times, बहुत आराम से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, आज सुबह की क्लास ली थी मैंने, जितना सुबह की क्लास में लिया था, अगर आपने उतना भी कर लिया बेटा, जितना हम पढ़ा रहे, इवन इफ यू डू दैट मच, इट इज मोर देन इनफ, सफिशियंट। राइट, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में क्या क्वेश्चन आते हैं आपके? क्लोनिंग वेक्टर, प्रॉपर्टीज पे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सो और एंडो पे क्वेश्चन आएंगे। इजी है, डन एवरीबडी? तो ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं। राइट, आपके इसके अलावा इसमें तो ऑब्वियसली पीसीआर, राइट, पीसीआर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आएगा एवरी सेकेंड ईयर। राइट, पीसीआर पे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अगारोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, इन दोनों पे। और 1 mark क्वेश्चन क्या आ जाएंगे इनके? साइंटिस्ट के नाम। राइट, इकोलॉजी, इकोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी पे इस साल आई फील पॉल्यूशन पे, वो भी एयर पॉल्यूशन पे, एक मेन क्वेश्चन टाइप आ सकता है। एक क्वेश्चन ये लोग अवॉइड कर देते हैं, सेडिमेंट्री लाइफ साइकल्स पे आ सकता है, कार्बन वगैरह सेडिमेंट्री साइकिल पे, ठीक है। एक क्वेश्चन नेचुरल पार्क्स पे पक्का आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाएगा, या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पे आ जाएगा। इन ये देखो मैं स्लैश बना रही हूं, या आपके सेक्रेट ग्रूव्स पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली फूड चेन या फूड वेब पे, हर एक चैप्टर के मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं और स्लैश करके दिए जिन पे क्वेश्चंस आएंगे। पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना मेन क्वेश्चन में, 100% गारंटी आ सकता है, 100% गारंटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सबसे पहले करना, अलोंग विद मॉलिक्यूलर बेसिस, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चंस आए थे। सेकंड टाइम पे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन करना, सेकंड आया था इसमें। बायोडाइवर्सिटी से 1 mark क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे। राइट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करना, हमेशा फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं हम, होता है ना बुक फर्स्ट चैप्टर से, तो फर्स्ट चैप्टर आपने बहुत बार किया हुआ है, वो वाली यूनिट लास्ट में करना। मुझे पता है जब भी बुक खुलती है फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर बहुत बार किया हुआ है, ये वाला लास्ट में करना। एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, डन, इस ऑर्डर में चलना, इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, डन। सबसे पहले ये, इज दैट क्लियर? सिंचन डोरेमोन, डन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर अमेजिंग चैनल। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिफोर वी मूव अहेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे मुझे पता है, बट एक छोटी सी टिप्स देना चाहती हूं इससे पहले कि हम आज का सेशन खत्म करें। व्हाट आर द स्मॉल टिप्स? एग्जाम के दिन ना, जैसा भी जितना भी सिलेबस होता है, एग्जाम के दिन बहुत पॉजिटिवली एग्जाम सेंटर पे पहुंचना, गेट अप पॉजिटिवली, अच्छा जाएगा एग्जाम, उसके बाद हम एक साथ मिलके नीट की सुपर वाली बस पकड़ लेंगे, डन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीच एटलीस्ट 1/2 hour बिफोर द एग्जामिनेशन, स्टे काम, अवॉइड एनी डिस्कशन, एनी फाइटिंग, एनी डिस्कशन, कोई व्हाट्सएप के चैट मैसेजेस का जवाब देना, ऑल दैट जस्ट अवॉइड।
ऑल द बेस्ट नोन क्वेश्चंस फर्स्ट बट हैपजार्ड तरीके से नहीं, पूरा 5 मार्क्स पहले कर लिए फिर 4, लाइक दैट इन अ ऑर्डरली तरीका, ये नहीं एक 5 एक 1 एक 2 एक 4, मिक्स नहीं करना. नीट एंड क्लीन इन योर वर्क ऑन द पेपर, डोंट यू नो ऐसे खिच खिच. अगर गलत भी हो गया एक लाइन बना दो, लाइन ड्रॉ कर दो, पर ऐसा ना लाइन नहीं ड्रॉ करते रहो और फिर एग्जाम छूट जाए. पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दो, फिर पूरी अंडरलाइनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से कर दो. अगर रफ वर्क करना ही है, वैसे तो बायो में जरूरत नहीं होती, यू कैन डू इट ऑन वन साइड. डायग्राम इज द की टू सक्सेस, दैट इज वाई यू हैव टू अटेंड द 9 o'clock सेशन. डायग्राम्स आर द की टू सक्सेस, बिना डायग्राम्स के कुछ नहीं होगा. फॉर 3 to 5 मार्क क्वेश्चन, फर्स्ट डेवलप द फॉर्मेट इन योर माइंड. देखो हम लिखना शुरू कर देते, उसके बाद अच्छा अच्छा ये लिखते, ओके साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहिए था, अच्छा साइंटिस्ट ने तो बुक लिखी, बुक का नाम ही भूल गए हम, किसे इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टरा लास्ट में लिख रहे हैं, टीएच मॉर्गन पहले लिख के बैठ गए. डन, यस एवरीबडी, हाय भागवत. For 3 to 5 mark question, first develop the format in your mind and try to attempt all the questions. Even if you write one line, even if you write little bit, you know the marking scheme में sample papers करवाए थे मैंने. It is not important कि आप सब कुछ ही करो. Not, but at least मतलब ये नहीं कि आप सब सारा कुछ A to Z जो book में लिखा है वो लिखा है. Write and come. हर question में आपको कुछ ना कुछ आता होगा. ऐसा नहीं आपको नहीं आता होगा. Write and come. Done. So with that, this special board class gets over. Take care, everybody. Bye. Take care.